और ये देखिए ताजमहल। मुझको भावे गलियां। सरसों ना। YouTube पे भी काफी वीडियोस है कि ये भूतों ने बना दिया एक ही रात में। बट Hey guys, this is Martin Sharma and you're watching Cycling or Nothing. और guys, थोड़ा मतलब टाइम बाद आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि ना थोड़ा यार घर पे ना थोड़े सीन्स हो गए थे तो इस वजह से जुड़ नहीं पाए, बट आज फाइनली निकल गए हैं राइड करने। आगरा जा रहे हैं, पहले शायद चंबल जाएंगे उसके बाद आगरा, तो जैसे भी होगा वो तो आपको बताते रहेंगे साथ साथ। और मैं अकेला नहीं कर रहा राइड, किसी के साथ कर रहा हूँ। हमारे सर है नीरज सर, तो आप एक बार आ सकते हो कैमरे पे। ये अभी इनका मुखड़ा दिखा देंगे हम आगे आपको, सोना सोना सा, ठीक है ना। और बता भी देंगे इनके बारे में, इनकी पर्सनालिटी टाइप, मतलब वैसे तो इंट्रोवर्ट है बट वो सिर्फ उनके लिए जिनसे ज्यादा बात नहीं करते, वो भी आपको धीरे धीरे जब आप ट्रिप पे आगे जुड़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। तो ठीक है गाइस, चलो फिर और दिखाते हैं मतलब आपको कि कैसा रहता है हमारा ट्रिप। यो गाइस, हम पहुंच गए हैं मथुरा और यहाँ से 50 के अराउंड किलोमीटर रह गया है आगरा, और फिर वहां से है 90 किलोमीटर चंबल। और ये देखिए ताजमहल पहुंचने वाले हैं, मतलब ये नहीं है ताजमहल। अरे कहना क्या चाहते हो, ये कोई मंदिर है और ये इन्होंने मतलब देखो ऐसे मतलब लोगों को वो कर देते हैं, क्यूरियस कर देंगे कि ऐसे ताजमहल की तरफ जाते जाते ऐसे रस्ते में ऐसे हमें ताजमहल दिख रहे हैं। और नीरज सर मजा आ रहा है गाइस, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं आज। गाइस हमने वॉशरूम ब्रेक और कॉफी ब्रेक दोनों साथ ले लिया है, पर हमने ये सोचा था कि ये हम मतलब शॉर्ट लेंगे नहीं, पर हमने एक चीज देखी तो इसलिए हमने सोचा ये लेना जरूरी है, आपको भी दिखा देते हैं। आप ये देखिए पीछे देख रहे हो, और ये हमारे नीरज सर। नीरज सर आ रहा है मजा, ये ठीक है गाइस। गाइस देख रहे हो रोड का हाल, बस कैसे ना कैसे करके चला रहे हैं भाई, डर लग रहा है कहीं फिसल ना जाए तभी धीरे चला रहे हैं। गाइस फाइनली हम मुरैना शहर पहुंच चुके हैं, बस इनके घर जा रहे हैं नीरज भाई के, क्योंकि इनका ना होम टाउन है तो इसलिए हम यहाँ आए। आप ये मत सोचना कि इस जगह क्यों घूमने आए हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर हम आगरा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ भी चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं, तो बस अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काफ़ी टेम्पल्स है, वहाँ आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है कैसे है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां गलियां। चुप कर बे कुत्ते। जय श्री राम सभी को। गाइस मैं अभी चंबल में फर्स्ट टेंपल हम आए हैं हनुमान जी के, बट यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था तो, और मेरा मन भी नहीं था सही बताऊँ तो, अगर होती मैं तब भी शायद नहीं करता अंदर, क्योंकि अंदर मतलब इतना पीसफुल था, काफी अच्छा लगा। तो ये हम बाहर आए हैं यहाँ से, और ये आपको ये जो पीछे दिख रहा है ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है टावर ना ये है मंदिर, और ये पीछे आप देख लीजिए नीरज सर तो है ही हमारे। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। और ये पीछे आप देख लीजिए बिल्कुल सरसों ही सरसों ना। मैं भी खुद भी जब मैं छोटा था मैं भी पता नहीं क्या ही सोचता था मैं, इनफैक्ट आज तक अगर मैं यहाँ अभी नहीं आता इस टाइम तो शायद मैं आज तक आगे भी यही सोचता रहता कि यार चंबल है पता नहीं, नहीं वो तो वैसा एरिया है, वहाँ तो ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ तो मतलब मेरे को डर लगता है जाने में, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अब सुंदरता तो देख ही लो मेरी, नहीं पीछे जो मेरे खेत है उनकी ठीक है गाइस, अब आपको आगे लेके चलते हैं साथ। ये तो बहुत गहरा है। हाँ हाँ, तो गाइस फाइनली हम एक और टेंपल आए हैं सिहोनिया के ककनमठ टेंपल, और मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो आप ये देख लीजिए मेरे पीछे, और ये देख लीजिए हमारे नीरज सर हमारे पीछे,
और गाइस ये ऐसा है, मतलब ये लोग कहते हैं YouTube पे भी काफ़ी वीडियोस है कि ये भूतों ने बना दिया एक ही रात में, बट अंदर यहाँ पे जो मतलब केयर टेकर है उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब एक राजा थे, कीर्ति कुछ करके नाम था, क्या नाम था एक सेकंड ना मैं देख के बता देता हूँ। यार चलो क्या इतना टाइम वेस्ट करना, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा ना, कीर्ति करके एक राजा थे, उनकी वाइफ के नाम पे पड़ा, उनकी वाइफ का नाम था ककनमती, तो उनके नाम पे ये इसका नाम पड़ा है ककनमठ। और ये ना सारी मूर्तियां यहाँ पे टूटी हुई है, तो वो भी मतलब कुछ था कि इन्होंने तोड़ दी थी। और ये देखिए सारी तरफ, ये मतलब पूरे तरह से बना भी नहीं है, ये देखिए ये सारे पत्थर इसके मतलब यूज़ होने थे बट हुए नहीं है। बाकी मैं और नीरज सर हमारे इंजॉय कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको जैसे भी आप। अब पहली बात तो ये नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, कि भूतों ने बनाया है या जो इसकी मैंने आपको अभी फोटो दिखाई है वो सच है या भूतों वाली बात सच है या क्या सच है, कुछ नहीं पता। पर ये जगह बहुत अच्छी है, बस इतना पता है। तो अगर आप कभी भी आएंगे तो वो तो खैर मैं आपको लास्ट में आइटिनरी बता दूंगा कि जब भी आप चंबल की साइड आए तो आप कहाँ कहाँ ज़रूर जाए, तो आप तब तक बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम ककनमठ से निकलकर दूसरे टेंपल आए हैं माता बसैया के, और ये देख लीजिए आप टेंपल, यहाँ से हमने एंट्री करी है। और ये मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो यहाँ पे ये बेल्स है, ये घंटे जो लगा रखे हैं, ये यहाँ पे जो मतलब डकैत जैसे चंबल जैसे कहते हैं ना कि डकैतों के लिए फेमस है काफ़ी, तो वो उन्होंने कहते हैं कि चढ़ाया। और यहाँ साइड में ना इसके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको ये जो दिख रही है ग्रिल्स दिख रही होगी है इस दीवार के उस तरफ, ये पुलिस थाना है, लोगों ने मन्नतें पूरी करके ये ऐसे यहाँ पे झंडे चढ़ाए हुए हैं। देख लीजिए गाइस ये पूरा, मैं वैसे तो जनरली देखो मतलब ना प्रेफर नहीं करता कि वीडियो बनाऊँ मैं ऐसे टेंपल्स में, बट बस आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ताकि जब भी आप अगर आओ चंबल खासकर, तो आप इस ज़रूर मतलब इस जगह ज़रूर आए और हमें बताएं कि आपको ये जगह मतलब कैसी लगी। चंबल तो ये होगा, चंबल तो वैसा होगा, चंबल जाने से मुझे डर लगता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो आप आके ही, वही मतलब बात है ना कि जब तक आप देखोगे नहीं ना तब तक आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मैंने मेरे साथ भी यही था, तो अगर आओ और विश्वास करो। अभी मैं आपको और टेंपल लेके चलता हूँ, फिर आपको और थोड़ा विश्वास में मतलब थोड़ा स्ट्रांग होगा आपका विश्वास, तो चलो मेरे साथ। गाइस फाइनली हम अपने नेक्स्ट मंदिर आ चुके हैं जो कि है कोतवाल में हरसिद्धि माता मंदिर, और अभी मैं उसी मंदिर के अंदर हूँ, आप देख लीजिए। और मैं आपको इस मंदिर के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर को कुंती मंदिर भी कहते हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये द्वापर युग का मंदिर है, और यहाँ पर एक दुर्वासा नाम के ऋषि आए थे जिन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम मतलब रुके थे वो यहाँ, और उस टाइम पर कुंती माता ने उनकी काफ़ी सेवा करी थी, तो जब वो यहाँ से जाने लगे थे तो उन्होंने कुंती माता से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र बताया था, और ये कहा था कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो सूर्य देवता का ध्यान होगा, और उसके ध्यान से उनके ध्यान से आपको एक पुत्र होगा। और उस मतलब उस मंत्र का टेस्ट करने के लिए कुंती माता ने यहाँ पर एक आसन नदी है उसके किनारे बैठ के इस मंत्र को टेस्ट किया था, और जैसे ही उन्होंने टेस्ट किया, इस मंत्र का उच्चारण किया, तो सच में सूर्य देवता प्रकट हुआ, और उन्होंने उनकी झोली में कर्ण को डाल दिया, और इस चीज़ से डर के उन्होंने कर्ण को वहीं बहा दिया मतलब आसन नदी में, जो कि यहाँ पर मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। और उस नदी के लिए यहाँ पर उन्होंने एक डैम भी बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए फिर देखिए मेरे साथ चलिए। गाइज ये देखिए मेरे पीछे आसन रिवर है, और ये है डैम जो मैं आपको बता रहा था अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया। और गाइज ये कहते हैं कि जो मतलब सब सावन आते हैं ना तो ये पूरा भर जाता है, ये जो आपको ग्रीनरी दिख रही है ये सारा कुछ नहीं दिखता, और ये मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ना देख के कि ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं है, पर ये बहुत गहरा है, मतलब ऐसा मतलब सुना है मैंने, मैं उतर के नहीं देखा ना, मैं देखना चाहता हूँ। चलिए ठीक है गाइज, अब आपको लेके चलते हैं कहीं। क्या हुआ, अरे बाय मत करो, चल रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस ये बाय कर दिए इन्होंने मुझे, मैं भी चलता हूँ आपके लिए फटाफट, आपके लिए क्या मतलब आपके लिए भी ऑब्वियसली। ये देखिए ओ माय गॉड नीरज भाई हो गए शुरू, क्या बात है। ठीक है गाइस मैं आपको बताता हूँ जैसे भी होता है, अभी तो हम यहाँ से मतलब अब तो शायद घर ही जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया, और फिर जैसे भी होता है आपको दिखाता हूँ, जो भी होता है कहीं भी अगर और जाते हैं तो बने रहना। बाय। गाइज ये हम डैम से निकल रहे हैं, और मैं आपको एक बार इसका पूरा रास्ता दिखाता हूँ कितना एपिक है, आप बने रहिए।